हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स इनवर्स में डिफरेंस क्या है। ये साइन इनवर्स एक्स ये हमारे क्वेश्चन जैसा मैच कर रहा है एंड इसमें क्या फर्क है, ये इस तरह से लिखा जाता है। ये क्या है, साइन एक्स ऑफ इनवर्स मीन्स वन अपॉन साइन एक्स विच इज कोसेक एक्स। दिस कैन बी रिटर्न इन दिस वे एंड दिस कैन नॉट बी रिटर्न इन दिस मैनर। ये डिफरेंस है, यहाँ तक क्लियर है। एंड अगेन क्या बोला है, वाई इज इक्वल टू और साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। सो वाई कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज ओनली ट्रू वेन वाई लाइज बिटवीन -90 टू +90, लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 90 -π/2। अगर ये कंडीशन है तो ही ये सही है, y lies between -90, इसे क्या बोलते हैं, और इसको लिख सकते हैं -90, 90, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिल गई हमें। अगर सपोज कोई भी क्वेश्चन दिया जैसे साइन इनवर्स हाफ, तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं दिया है और बोला है उसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने। सो हाउ विल फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल ब्रांच है हमारा -90 to +90, इसके रेंज में मीन्स इसके बीच में कुछ भी अगर वैल्यू आती है हमारी 5/6, 5/4, तो वो हमारी सॉरी 5/6 अगर आती है तो वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन की। सो यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू इन द रेंज ऑफ -90 to +90। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स हाफ। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2, π/2। Now, let's say, let sin inverse x is equal to alpha or sin inverse of half, जो question है वो is equal to alpha. Now, it can be written as alpha is equal to, sorry, half is equal to sin alpha and alpha lies between -90 to +90. -90 to +90, यहाँ तक क्लियर हो गया। अल्फा इज इक्वल टू साइन सॉरी हाफ इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ। एक्सरसाइज 3.1 में किया था हमने, जैसा साइन कौन से वैल्यू पे हाफ देता है, कौन से एंगल पे, साइन पाई बाय सिक्स पे देता है हाफ। सो व्हाट इज अल्फा, अल्फा विल बी पाई बाय सिक्स। So we can write it as -90 < π/6 < π/2। तो ये हमारे रेंज में आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज में आ रहा है पाई बाय सिक्स। सो द फाइनल आंसर विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ is 5/6. Now the second question, tan inverse -1. So the principal branch, the principal value branch of tan inverse x is -90 to +90. Now let's say tan inverse of
minus 1 should be alpha, minus 90 less than alpha less than equal to plus 90. यहां तक क्लियर हो गया? सेम पिछले सब जैसा हमने स्टार्ट किया. माइनस वन इज इक्वल टू टेन अल्फा. नाउ टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन. पाई बाय फोर मीन्स टेन, 45 हमें वन देता है. बट एक चीज और देखेंगे, टेन ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस टेन थीटा. समझ में आ गया? टेन ऑफ माइनस वन कैन बी रिटन एज, और टेन ऑफ माइनस पाई बाय फोर, और माइनस टेन पाई बाय फोर कैन बी रिटन एज टेन ऑफ माइनस पाई बाय फोर. तो यहां तक क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर. कैसे होएगा समझाना, माइनस पाई बाय फोर क्यों होएगा? टेन अल्फा, और ये कैसे लिखेंगे हम इसे, यहां लिख देते हैं टेन ऑफ माइनस पाई बाय फोर. तो इस तरह से अल्फा हमारा माइनस पाई बाय फोर आएगा. और एक और कंडीशन लिखेंगे यहां से, माइनस पाई बाय टू लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू. तो यहां पे क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन इज माइनस पाई बाय फोर. तो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का सेम है, बस इसकी फाइनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, मीन्स फाइनल वैल्यूज फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ. तो जैसा एक एक करके हम उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे, बस यहाँ पे तीनों का अलग अलग निकालेंगे और तीनों को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इसका फाइनल वैल्यू होगा. सो फर्स्ट वी विल फाइंड टेन इनवर्स वन, लेट्स से अल्फा. तो अल्फा विल लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू. तो क्या हो जाएगा ये, टेन अल्फा इज इक्वल टू वन विच इज टेन पाई बाय फोर, मीन्स अल्फा विल बी पाई बाय फोर. और ये क्या लिखेंगे आप, माइनस पाई बाय टू पाई बाय फोर एंड पाई बाय टू. तो क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ वन इज इक्वल टू पाई बाय फोर. यहां तक क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट कॉस इनवर्स के लिए. सो लेट कॉस इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, एक अल्फा हो गया दूसरा बीटा, एंड इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, जीरो लेस देन बीटा लेस देन पाई. इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, जीरो टू 180. सो कॉस इनवर्स हाफ इज बीटा. नाउ कॉस बीटा इज इक्वल टू हाफ, यहां तक हो गया, कॉस बीटा इज इक्वल टू हाफ. कॉस हाफ किस में देता है, कॉस 60 में, विच इज पाई बाय थ्री. सो नाउ बीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री. सो जीरो लेस देन पाई बाय थ्री लेस देन इक्वल टू पाई. वी कैन राइट इट एज cos inverse of half is equal to pi by 3. ये हमारा final answer. And sin inverse half, let's say sin inverse half is equal to gamma. But हमने जब exercise 3.3 start किया, सबसे पहले sin inverse half का ही value निकाला था. और sin inverse half क्या था हमारा, pi by 6. Sin inverse half is पाई बाय सिक्स. नाउ इसको इक्वेशन वन देते हैं, इक्वेशन टू, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थ्री. नाउ एडिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री, एडिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री, वी गेट
क्या मिलेगा हमें, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स विच इज इक्वल टू, और देख ले नीचे लिखते हैं, इज इक्वल टू एल सी एम थ्री पाए प्लस टू पाए प्लस फोर पाए अपॉन ट्वेल्व। एल सी एम लेंगे तो ये बराबर ऐसे ही आएगा। नाउ थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन पाए अपॉन ट्वेल्व विच इज थ्री, थ्री ज नाइन एंड थ्री फोर ज ट्वेल्व, द फाइनल आंसर इज थ्री पाए बाय फोर। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा तीनों को ऐड करने पे, थ्री पाए बाय फोर। एक और सम स्टार्ट करते हैं जिसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, जैसा प्रीवियस सम था सेम वैसे ही। सो लेट स्टार्ट, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा लाइज बिटवीन माइनस नाइन्टी टू प्लस नाइन्टी, तो क्या हो जाएगा, कोसेक रूट टू और कोसेक ऑफ माइनस रूट टू इज इक्वल टू कोसेक अल्फा, ये बराबर है माइनस रूट टू इज इक्वल टू कोसेक अल्फा। नाउ कोसेक अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट टू इज इक्वल टू माइनस कोसेक पाई बाय फोर माइनस रूट टू देता है, ये कैसे आएगा या इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे टेन का है वैसे इसका भी आएगा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, दोनों भी सेम है। सो यहाँ से हमारी अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर। सो वी कम टू नो दैट कोसेक ऑफ और कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू इज माइनस पाई बाय फोर। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स रूट थ्री है, कॉट इनवर्स रूट थ्री विच कैन बी टेकन एज बीटा एंड जीरो टू जीरो लेस देन बीटा लेस देन पाई, और यहाँ भी एक स्टेप हमने भूल गया, हम लिख लेते हैं माइनस नाइन्टी लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू। तो जीरो लेस देन इक्वल टू बीटा लेस देन इक्वल टू पाई, तो क्या हो जाएगा, कॉट बीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। नाउ कॉट बीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, तो कॉट बीटा इज इक्वल टू रूट थ्री कॉट पाई बाय सिक्स देता है रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। नाउ क्वेश्चन है, इट इज कॉपी करना है, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय सिक्स, क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स पाई प्लस फोर पाई अपॉन ट्वेंटी फोर, तो क्या हो गया, माइनस टू पाई अपॉन ट्वेंटी फोर विच इज माइनस पाई बाय ट्वेल्व, द फाइनल वैल्यू इज माइनस पाई बाय ट्वेल्व।